गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस कैंपस। नया दिन नई सुबह के साथ मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए सेट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किस सरकार द्वारा राज्य में COVID-19 के समुदाय के प्रसार की जाँच करने के लिए लॉन्च किया गया है। घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन इज लॉन्च बाई विच गवर्नमेंट to check the community spread of COVID-19 in the state। हमारे options हैं A महाराष्ट्र, B उड़ीसा, C वेस्ट बंगाल, D पंजाब। हमारा answer है D पंजाब। आइए इसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन घर घर निगरानी इन हाउस विकसित और डिज़ाइन किया गया। इस पहल के तहत पंजाब सरकार COVID-19 महामारी के उन्मूलन तक राज्य में घर घर निगरानी का काम करेगी। ऑन स्पेशल नोट, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर ऑफ पंजाब बीपी सिंह बदनौर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक आंतरिक कार्यदल IWG का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप हैज बीन कंस्टिट्यूटेड by Reserve Bank of India will be headed by whom? हमारे options है A पी चिदम्बरम, B डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती, C डॉक्टर आर के टंडन, D none of these। हमारा answer है B डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉरपोरेट संरचना और मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए प्रमुख उद्देश्यों के साथ एक आंतरिक कार्य समूह, जिसे IWG कहते हैं, का गठन किया गया है। आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती, निदेशक सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। इंटरनल वर्किंग ग्रुप IWG 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस गणराज्य के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस। हमारे ऑप्शन है ए शंभू एस कुमारन, बी सुधांशु कुमार, सी सुमन खुशवाहा, डी शेखर अग्रवाल। हमारे आंसर है ए शंभू एस कुमारन। आइए इनके बारे में जानते हैं। शंभू एस कुमारन वर्तमान में मोरक्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे हैं। वो फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जयदीप मजुमदार की जगह लेंगे। ऑन स्पेशल नोट्स, कैपिटल ऑफ फिलीपींस मनीला, करेंसी फिलीपीन पेसो, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस रोड्रिगो ड्यूटेर्ट। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 14 जून को विश्व स्तर पर क्या देखा गया है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन जून 14? हमारे ऑप्शंस है ए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, बी वर्ल्ड ऑटिस्टिक डे, सी वर्ल्ड कैंसर डे, डी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हमारा आंसर है ए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आइए इसके बारे में जानते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और लोगों को समझाया जा सके कि रक्तदान करना कितना महत्वपूर्ण है। इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस के लिए अभियान का विषय सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है स्लोगन के साथ है और विश्व को एक स्वस्थ स्थान बनाता है। मई 2005 में WHO ने आधिकारिक तौर पर अपने 192 सदस्य राज्यों 58वें विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व रक्तदाता दिवस के साथ स्थापित किया। ऑन स्पेशल नोट, हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO गिनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टेड्रोस अधानोम। हमारा अगला क्वेश्चन, उस बॉलीवुड एक्टर का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया, जिसने फिल्म काई पोछे से बॉलीवुड में शुरुआत की। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसेंटली पास्ड अवे मेड हिज बॉलीवुड डेब्यू विद द फिल्म काई पोछे। हमारे ऑप्शन है ए सुशांत सिंह राजपूत, बी इरफान खान, सी जावेद अख्तर, डी ऋषि कपूर। हमारा आंसर है ए सुशांत सिंह राजपूत। आइए इसके बारे में जानते हैं।
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उन्होंने 2013 की फिल्म काई पो छे से बॉलीवुड में कदम रखा और 2016 की हिट एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई अन्य बॉलीवुड फिल्में भी अभिनय किया, जैसे कि पीके, राबता, केदारनाथ और सोन चिरैया। हमारा अगला क्वेश्चन, बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किस ब्रांड का राजदूत नियुक्त किया गया है? बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हाट? हमारे ऑप्शंस है ए पंजाब क्रॉप, बी विप्रो, सी बिहार खादी, डी नन ऑफ दीस। और हमारा आंसर है सी बिहार खादी। आइए थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में भी ले लेते हैं। बिहार में खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों को खादी वस्त्रों के लिए नए डिज़ाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होने की भी। ऑन स्पेशल नोट, गवर्नर ऑफ बिहार फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली पहली महिला कौन बनी? हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल टू हेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ नासा? ए कैथी ल्यूडर्स, बी अवनी चतुर्वेदी, सी मोहना सिंह, डी नन ऑफ दीस। हमारा आंसर है ए कैथी ल्यूडर्स। आइए जानते हैं इनके बारे में। कैथी ल्यूडर्स को मानव अन्वेषण और संचालन HEO मिशन निदेशालय के नए एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ वो नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने में नासा की सहायता कर रही है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग चीन में पिछले दो दिनों में COVID-19 के कितने नए मामले दर्ज किए गए हैं? हाउ मेनी COVID-19 न्यू केसेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन लास्ट टू डेज इन बीजिंग चाइना? हमारे ऑप्शन है ए 70, बी 85, सी 75, डी 25। और हमारा आंसर है सी 75। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय धावक गोमती मारिमुथु को डोपिंग के लिए कितने साल के लिए खेल से प्रतिबंधित किया गया है? इंडियन रनर गोमती मारिमुथु हैज बीन बैंड फ्रॉम द स्पोर्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स फॉर डोपिंग? हमारे ऑप्शन है ए 7 ईयर्स, बी 2 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 4 ईयर्स। हमारा आंसर है डी 4 ईयर्स। आइए इनके बारे में जानते हैं। एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारिमुथु को डोपिंग के लिए 12 जून 2020 को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी AIU द्वारा 4 साल तक दौड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने 2019 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ऑन स्पेशल नोट, 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियन वॉज हेल्ड इन दोहा, कतर। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस भारत चीन RIC त्रिपक्षीय बैठक कब होगी? When will be Russia India China RIC trilateral meeting take place? हमारे ऑप्शन है ए सेप्टेम्बर 17, बी ऑगस्ट 15, सी जून 22, डी जून 30। हमारा आंसर है सी जून 22। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 जून 2020 को एक आभासी रूस भारत चीन RIC त्रिपक्षीय बैठक में अपने चीनी समक्ष वांग ई से मुलाकात करने वाले हैं। यह बैठक सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच LAC के साथ बंद आई है। LAC इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको इन सब के PDF फाइल्स हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।